हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिमा फ्रॉम माय चैनल गार्डनिंग विद शिमा, और आप देख रहे हो मेरा चैनल। आशा करती हूँ सभी अच्छे हो, और इस आशा के साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करूँगी। आज जो मेरा टॉपिक है आपके साथ शेयर करने का, ये गुलाब नहीं और बल्कि कुछ शीड्स है जिसको मैंने अभी उगाया है, और अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो सोचा आपके साथ ये गुलाब भी शेयर कर लूँ। देखो कितने सारे गुलाब एक साथ हुआ है, बहुत सारे गुलाब। इस देखो, इसकी वीडियो मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। तो चलो शुरू करती हूँ मैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स देखो, इस पर मैंने बीन्स भी लगाया था, इस पर भी मैंने बीन्स लगाया था। मैंने तो आपसे कहा था कि सभी बीजों का मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बारिश की वजह से मैंने वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन बीजों को इस पर बीजों को मैंने बो दिया और उसके बाद ढक दिया था। ये 3 दिन बाद है, देखो अब इसमें जो है, जो बीन्स, इस पर भी मैंने बीन्स लगाई थी। ये बीन्स की बीज अभी ग्रो हो रही है, और फॉर ये है, ये जो है मैंने टमाटर जो है ये भी बीच में लगा दिया था। टमाटर के बीज अभी तक पूरा नहीं हुआ है, देखो ये अभी हो रहा है। आज सिर्फ मैं आपको इसकी जो सभी जो प्लांट की शीड लगाई थी उसकी अपडेट ही दिखाऊंगी। अब देखो इसकी कैसे लगाते हैं, मैंने इसकी वीडियो नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो देखो इस पर बीन्स है और इस पर टमाटोज है, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न आ रहा है और अभी इन सभी वेजिटेबल्स को ग्रो करने का सही वक्त है, तो इसको मैंने लगा दिया था। आप भी लगा दो, ठीक है। तो देखो इसको, ये जो है देसी टमाटो के बीज है, मैंने ऐसे ही जस्ट मिट्टी को रेडी किया। 40% गार्डनिंग सॉयल, 40% फार्मिंग कंपोस्ट और 10% इस पर बालू मिट्टी देके इसको रेडी करके इस पर मैंने बीज बो दिया। देखो ये टमाटर और इस पर है, ये है बीन्स, ठीक है। तो चलो और एक पॉट दिखा, लगाया था जो है स्पिनच, जो है स्पिनच, और ये प्लांट देख रहे हुए पौधे है हरा धनिया, ठीक है। इस पर मैंने हरा धनिया और स्पिनच एक साथ लगाया है। देखो इस, ये भी सभी ऐसे देखो उठ रहे हैं, तो अभी सही वक्त है, अभी लगा लो इसको। देखो और एक प्लांट मैं दिखाती हूँ, चलो देखो। इस पर मैंने जो है गोर्ड लगाया हुआ है, देखो इसकी वीडियो मैंने डाली थी कि आप गोर्ड को आप कैसे शीट से ग्रो करोगे, तो इसकी वीडियो मैंने डाली थी। लेकिन उसके बाद मैं और कोई वीडियो नहीं इसकी बना सकी, आज बना रही हूँ। तो देखो इसको भी मैंने पॉट पे, इस पर भी है गोबर खाद है, इस पर 50% गोबर खाद, क्योंकि जो गोर्ड होता है उसको खाना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इस पर 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% इस पर गोबर खाद मिलाया है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इसकी मिट्टी रेडी करके इसको लगाया था। 2 बीज लगाई थी मैंने हाइब्रिड की, लेकिन एक बीज से प्लांट ग्रो हुआ है और एक बीज से नहीं हुआ है। तो देखो इस पर मैंने जो है, ये जो बैम्बू स्टिक है, इससे इसको ऐसे बना के दे दिया। ऊपर नेट है, देखो इस नेट पे उठ के बेल हो जाएगी। और इस पर जो है मैंने जो इस पर है, इस पर मैंने और 2 बीज लगाया हुआ है। इस पर मैंने लगाया था जो शैम होती है उसकी बीज भी, दोनों 2 लगाई थी, और हाँ शैम ही लगाया था, यह एक शैम लगाया था, वो अभी तक नहीं हुआ, तो इसको मैंने ऐसे ढक के रखा, ठीक है। तो देखो, तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखिए, मेरे वीडियोस पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और खूब से मज़े कीजिए दीपावली की। ढेर सारी फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। टेक केयर योर सेल्फ, टेक केयर योर चिल्ड्रेन, एंड प्लीज़ एनवायरमेंट का ख्याल ज़रूर रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।